सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त सोमनाथ वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, सबसे पहले तो सबको सॉरी, बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं व्लॉगिंग चैनल पे ज्यादा एक्टिव हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, और जितना प्यार इस चैनल को दिया था आशा करता हूँ उतना ही प्यार आप उस चैनल को भी देंगे, क्योंकि गाइस उस चैनल पे मैं डेली का मेरा जो अर्निंग है, डेली जो मैं जो ट्रिप्स मारता हूँ, जो भी अर्निंग है, जो मैं सारी चीजें दोस्तों मैं अपने व्लॉग में शेयर करता हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू कर दे। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं हम लोग पोर्टर में गाड़ी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए पोर्टर के बारे में, मूवर के बारे में, या फिर जो भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो एप्लीकेशन है उसमें गाड़ी ज्वाइन करे या ना करे, या फिर करने के बाद हम लोग कितना अर्निंग कर सकते हैं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोर्टर, मोवर और जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नाम लूंगा तो भी बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन नए निकल के आएंगे दोस्तों। ये ऐसी कंपनियां बनती ही जाएंगी और ऐसे नए नए एप्लीकेशन आते रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो गाइस हमको सिर्फ सोचना है कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, किस एप्लीकेशन में अच्छी अर्निंग होगी और किस एप्लीकेशन हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करके देगा, ये सारी चीजें। तो गाइस, इसी एक्सपीरियंस के लिए मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे हर रोज में क्या है कि दोस्तों मेरे सिटी में सिर्फ पोर्टर ही है क्योंकि दूसरा कोई उसके कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ पोर्टर के ऊपर ही व्लॉग्स बनाता हूँ कि मैं पोर्टर से कितना अर्न करता हूँ और किस तरीके से मेरे जो भाड़े आते हैं, तो सारे एक्सपीरियंस मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे वीडियो में देता रहता हूँ। तो अगर आपको जानना है कि मैं दिन में कितना अर्न करता हूँ तो आप जाके व्लॉगिंग चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। बट गाइस, मैं इस वीडियो में आपको टॉप टू एंड सारी चीजें शेयर करूंगा। मुझे दोस्तों देखो, मैंने एक्सपीरियंस किया पोर्टर को, तो पोर्टर की तरह मुझे पता है कि अभी जो फिलहाल टॉप पे जो कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन में जो कि सिटीज में, तो वो सबसे पहले आता है, नाम आता है पोर्टर कंपनी का। तो मैं सबसे पहले पोर्टर कंपनी के बारे में आपको बता दूं, उसके ऊपर ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी कंपनी में अलग अलग शहरों में अलग अलग रिस्पॉन्स है, कम ज्यादा हर एप्लीकेशन का कम ज्यादा रिस्पॉन्स है हर सिटी में, जैसे कि मुंबई में अलग है, हैदराबाद में अलग है, बाकी दिल्ली में भी अलग है। मैं अपने सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में कि पोर्टर इधर हमारा शुरू में कैसा एक्सपीरियंस है और अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपको ज्वाइन करना चाहिए, गाड़ी आपकी लगानी चाहिए टू व्हीलर वाले हो या फिर आपके पास 8 फीट हो, कौन सी भी गाड़ी रहे, तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिए। अगर आप पोर्टर में गाड़ी ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखो। तो गाइस, सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि पोर्टर के कुछ निगेटिव या पॉइंट्स जो कि आगे चल के आपको फेस करने, तो गाइस वो सारे पॉइंट कभी भी समझ लो, बाद में फिर सोचो कि पोर्टर में गाड़ी ज्वाइन करे या फिर ना करे। तो गाइस, दो सिचुएशन हो सकती है आपके साथ कि आप अगर ट्रांसपोर्ट धंधे में नहीं हो, मतलब हाल ही में आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो या फिर आपने गाड़ी नहीं ले चुके और बाद में पोर्टर में ज्वाइन करना सोच रहे हो, तो ये दो सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट धंधे में अभी एंटर किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कंपनी के साथ काम कर करके और बाकी प्राइवेट कस्टमर भी कर लूं, तो गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सरासर गलत सोचे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं पोर्टर में गाड़ी लगा के मेरे अपने प्राइवेट कस्टमर भी बना लूंगा और मैं पोर्टर के साथ में प्राइवेट कस्टमर भी हैंडल कर लूंगा, बट गाइस ये आपकी गलत भावना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस, आप जब भी पोर्टर में गाड़ी ज्वाइन करते हो, आपको शुरू के एक महीने के लिए आपको पोर्टर ब्रांडिंग के लिए आपको बोलता नहीं, ठीक है। शुरू का एक महीना आपको ट्रिप्स आएंगे, भर भर के ट्रिप्स आएंगे आपको शुरू के, जो कि मैं रिसेंटली मेरे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। ये मेन मसला है ब्रांडिंग का, कि नई गाड़ी लेते हो आप, धंधे में नहीं हो, तो आपको पूरे पोर्टर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, पोर्टर का एक सबसे घटिया पॉलिसी जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि ब्रांडिंग का, क्योंकि गाइस आप पोर्टर में जैसे गाड़ी ज्वाइन करते हो, भले आपको ज्वाइनिंग फ्री है, आपको ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं देना है, बट गाइस आपको जब गाड़ी ज्वाइन करते हो एक महीने के बाद आपको ब्रांडिंग के लिए कॉल्स आएंगे, क्योंकि आपको 10 सेकंड डिले लगा देंगे। 10 सेकंड डिले ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी पे ब्रांडिंग नहीं है, अगर आपने ब्रांडिंग नहीं लगाया, आपने गाड़ी पे पोर्टर का पोस्टर नहीं लगाया, तो आपको 10 सेकंड डिले ऑर्डर आएगा। और अगर आपने ब्रांडिंग लगाया, अगर आपने पोर्टर का स्टिकर लगाया, तो आपको 10 सेकंड अर्ली ऑर्डर आएगा, मतलब आपको 10 सेकंड अर्ली क्लिक का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको 10 सेकंड बाद में आप क्लिक कर सकते हो। अगर ब्रांडिंग वाले पार्टनर ने नहीं उठाया तभी आप वो ट्रिप उठा सकते हो, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप धंधे में नए हो और आपका प्राइवेट कस्टमर नहीं है, क्योंकि बनेगा ही नहीं ना गाइज, क्योंकि आपको बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका प्राइवेट कस्टमर नहीं तो आपको पूरे ज्यादा से ज्यादा पोर्टर पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा पोर्टर पे भाड़े मारने पड़ेंगे, तो आपका क्या सोचोगे भाई, जाने दो, फिर जब तक प्राइवेट कस्टमर नहीं बनते तब तक मैं ब्रांडिंग कर लेता हूँ। वैसे भी क्या आपने प्राइवेट कस्टमर धीरे धीरे बनेंगे, बट ये सरासर गलत है गाइज, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो और आप अपनी ब्रांडिंग गाड़ी ब्रांड करवाते हो, आपका पोस्टर लगवा लेते हो, तो उसके बाद में आपके पास कोई भी प्राइवेट कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि गाइज होता क्या है, देखो आपको बताता हूँ, अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल आप रोड के साइड में आप गाड़ी लगा के किधर आप घर पे गए हो, ठीक है,
और आपके गाड़ी पे ब्रांडिंग नहीं है, आपके गाड़ी पे मोबाइल नंबर आपका लगा हुआ है, और अगर किसी को गाड़ी चाहिए, किसी पर्सन को गाड़ी चाहिए उसी एरिया में जो आपके रोड के साइड में वो जा रहा है, या फिर कोई बहुत सारे देखो पुराना सिस्टम है कि लोग रोड के साइड में टेम्पो स्टैंड पे जाके गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी के ऊपर जो नंबर रहता है अगर ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो कॉल करके भाई पूछते हैं कि भाई आपका गाड़ी खाली है कि आपको एक भाड़ा मारना है, तो ये पूछते, तो उसके बाद आप भाड़ा तय करते हो, आप भाड़ा डन करने के बाद आप जाते हो, जो भी हो आपको रिटर्न का भी ले सकते हो अगर आप को किलोमीटर पे डिपेंड है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने किलोमीटर के लिए आपको कितना भाड़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आप भाड़ा तय करते हो फिर आप जाते हो, बट गाइस आप जब गाड़ी ब्रांड करते हो, जब ब्रांडिंग लगाते हो, अगर आप गाड़ी घर के बाहर लगाते हो उसके बाद अगर किसी कस्टमर को गाड़ी की जरूरत है, आपका टेम्पो देखते हो, वो कस्टमर रुक भी जाता है, रुकने के बाद वो सीधा देखेगा पोस्टर और वो सोचेगा कि भाई अभी देखो हाल ही में अभी फिलहाल तो एंड्रॉइड का जमाना है, हर किसी के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, वो क्या करेगा सीधा जाकर प्ले स्टोर पे पोर्टर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, और उस टाइम पे अगर आप हो सकता है कि आप ऑफलाइन हो पोर्टर के एप्लीकेशन पे, भले आप घर में हो आपके गाड़ी के पास नहीं हो, और उसके बाद अगर कस्टमर ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रिप डाल भी दिया तो वो ऑर्डर किसको जाएगा, जो बंदा उधर ऑनलाइन है उसको जाएगा, उस टाइम पे अगर आप ऑफलाइन है तो वो भाड़ा आपको नहीं आएगा, मतलब गाड़ी पोस्टर तो आपके गाड़ी पे और भाड़ा किसको गया, दूसरे बंदे को गया, मतलब आपको जो कमाई मिलने वाली थी वो पोर्टर को तो कमीशन मिलने वाला है बट वो भाड़ा गया दूसरे बंदे को, तो ये इफेक्ट होता है ब्रांडिंग का। तो मतलब मैं बोलता हूँ कि ब्रांडिंग करो ही मत, ये सिस्टम है ना सबसे घटिया सिस्टम है पोर्टर का। तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि मैंने आपको ब्रांडिंग का बताया, ये पहली अड़चन आपकी आएगी अगर आप सोचते हो कि मैं गाड़ी नया लूंगा और प्राइवेट भी धंधा करूंगा और पोर्टर भी करूंगा, तो ये सरासर गलत है, आपके कोई प्राइवेट कस्टमर नहीं बनने वाले, इससे अच्छा है गाड़ी लो बट अगर थोड़ी दिन के लिए आपको कोई फिक्स कस्टमर है तभी गाड़ी लो, ताकि आपका ईएमआई निकले, आपका खर्चा निकले, बट पोर्टर के ऊपर अगर आप काम करोगे, क्योंकि पोर्टर किसी को भी कमिटमेंट नहीं करता कि मैं हम आपको महीने में इतना भाड़ा देंगे, आपको महीने में इतना बिजनेस देंगे, पोर्टर कमिटमेंट नहीं करता है। ये रही बात दोस्तों धंधे की, और आपको मैं बता दूं, आप अगर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हम लोग गाड़ी लगाए या फिर नहीं लगाए, भाई गाड़ी लगाओ, मैं बोलता हूँ पोर्टर में गाड़ी लगाओ बट एज अ पार्ट टाइम करो गाइस, मैं बोलता हूँ एज अ पोर्टर पार्ट टाइम करो, ताकि आप किसी प्राइवेट कस्टमर का अगर कोई ट्रिप लेके आउटसाइड गए हो या फिर सिटी में गए हो तो रिटर्न के लिए पोर्टर ऑन करो, गाड़ी ज्वाइन करो, पोर्टर में चार्जेस नहीं है गाड़ी ज्वाइन करने के, रिटर्न में भाड़े के लिए पोर्टर का डिवाइस ऑन करके रखो, जाके आप प्राइवेट किसी कस्टमर का लोड लेके जाते हो। मुझे पता है गाइस हर किसी पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे पार्टनर्स अभी जो को मुझे पता है अभी जो लॉकडाउन के बाद है ना बहुत सारे लोगों का धंधा बंद हुआ है, तो जो जिनको ये ट्रांसपोर्ट धंधे का नॉलेज भी नहीं था वो सारे लोग ट्रांसपोर्ट गाड़ी लेके जैसे कि देखते हैं कि रोड पे पोर्टर की गाड़ियां चल रही, बहुत पोस्टर देखते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारा धंधा पोर्टर देता रहेगा, बट सबसे गलत घटिया सोच है लोगों की कि बाबा बहुत सारे पार्टनर लोग जो पोस्टर लगा के घूम रहे हो बहुत सारा अर्निंग कर रहे होगे, बहुत सारा पैसा कमा रहे होगे, बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टर लगभग दिन का अगर आप अच्छे से कमा लेते हो, अगर आपके गाड़ी पे पोस्टर है तो आपको लगभग 600-700 रुपए का फ्यूल जाने के बाद आपको 1,000-1,500 रुपए आपके बचेंगे, क्योंकि गाइज मैं बता दूं पोर्टर का रेट कम है, कमीशन ज्यादा है और आपको ज्यादा एमटी रन भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर ऐसे ये पूरा आपको अगर एक्सपीरियंस करना है, ये सारी चीजें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो ब्लॉगिंग चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, उसके ऊपर मैं पिकअप लोकेशन से लेकर ड्रॉप लोकेशन का किलोमीटर फेयर कितना टाइम लगा कस्टमर कैसे मिला सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन करी कि भाई नया टेम्पो ले रहे हो तो अगर टेम्पो लगाना है कि नहीं लगाना है मैं सारी चीजें बता दी। अगर आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चीजें समझ में आई है इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और गाइज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। ऐसे ही पोर्टर और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड में वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।